हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आद्याज किचन 24। आज हम बनाएंगे भरवा करेला। इसे आज मैं बिहारी स्टाइल में बनाने वाली हूँ। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और सभी को बहुत पसंद भी आता है। ये एज अ साइड डिश सर्व किया जाता है। वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो जो टिप्स मैंने यूज़ किया है इस रेसिपी को बनाने में वो आप मिस कर जाओगे। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम करेला लिया है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, सुखा लिया है और अब इसे इस तरह से काट लेंगे। दोनों जड़ों को साइड से काट के निकाल देंगे और सारे करेले को इसी तरह से काट लेंगे। सारे करेले को मैंने काट लिया है। अब एक प्रेशर कुकर में मैंने पहले से 4 कप पानी डाला है और अब इसे में एक एक करके करेले को डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे। उबालने से करेले की करवाहट कम हो जाती है और बाद में जब इसे हम फ्राई करते हैं तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और अब एक सीटी आने का इंतज़ार करेंगे। सीटी लगते ही तुरंत प्रेशर निकाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा उबालने से ये टूट जाएगा और भरवा ढंग से इसमें भरेगा भी नहीं और ये टूट जाएंगे। एक सीटी लग गई है, प्रेशर को तुरंत निकाल देंगे और इसे अब ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। और जब करेला ठंडा हो गया तो इसमें से मैंने सारे बीज को निकाल दिया एक नाइफ़ के हेल्प से। ये देखिए, बीज को हम लोग फेंकेंगे नहीं, ये हम लोग के स्टफिंग्स में काम आएंगे। 5 मीडियम साइज अनियन लेंगे, 3-4 हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें और 15 से 20 कली लहसुन लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करेले को शैलो फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में सरसों तेल डालेंगे 1 कप। तेल जब गर्म हो जाए तो एक एक करके करेले को इसमें डाल देंगे और दोनों तरफ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये ध्यान रखिए इस बात का कि जब करेले को डालें तो उस समय गैस का फ्लेम लो कर दे, नहीं तो छींटा उड़ने का डर रहता है। और उसके बाद इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर करके फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे ढक ढक कर फ्राई कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। फ्राई करने में करीब 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। करेला हमारा अच्छे से दोनों तरफ फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी के बचे हुए करेले को भी हम लोग फ्राई कर लेंगे। सारा करेला फ्राई होकर रेडी हो चुका है। अब इसी ऑयल में हम लोग करेले के बीज को भी 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। करेले का बीज भी अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसे भी हम लोग निकाल लेंगे और बचे हुए तेल को ही हम लोग स्टफिंग्स बनाने में यूज़ करेंगे। कढ़ाई को मैंने साफ़ कर लिया था, इसमें थोड़ा सा सरसों तेल डाल देंगे और जो तेल बच गया था उसमें से थोड़ा सा डाल देंगे और इसे गरम होने देंगे। जब गरम हो जाए तेल तो लहसुन डाल देंगे और इसे 1 मिनट फ्राई करेंगे। अब इसमें 5 रफली चॉप्ड अनियन डाल देंगे और इसे लाइट ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, यही टिप्स था। यहाँ पे आपको बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है प्याज और लहसुन, इसकी बजाय आप इसे ऐसे ही काट कर फ्राई कर ले लाइट ब्राउन कलर और मिक्सर में इसे ब्लेंड कर ले, दरदरा पेस्ट बना ले, स्मूथ पेस्ट नहीं बनाएंगे। तो फ्राई हो गया, अब इसे हम निकाल लेंगे।
तो क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी हम लोगों का मन बहुत करता है भरवा बनाने का, पर टाइम कम होने की वजह से हम लोग ये टिप्स को यूज़ करते हैं। अब इसे मिक्सर में एक दो बार ब्लेंड कर लेंगे। ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि दरदरा पेस्ट ही बनाएंगे, स्मूथ नहीं। ये देख सकते हैं आप, दरदरा पेस्ट बनाया है मैंने। बस दो बार ब्लेंड कर देंगे इसे। अब उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, तेल गर्म हो जाए तो हरी मिर्च डाल देंगे फाइनली चॉप किया हुआ। इसे एक मिनट तक फ्राई करेंगे। अब वो जो पेस्ट हम लोगों ने बनाया था दरदरा, उसको डाल देंगे। प्याज का दरदरा पेस्ट डालने के बाद इसे 3 से 4 मिनट और फ्राई करेंगे। इस तरह से चलाते रहेंगे। तीन से चार मिनट हो गए। अब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे कलर के लिए, और अब हम लोग पेस्ट तैयार कर लेंगे जो इसमें हम लोग डालेंगे। नेक्स्ट 3 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। स्मूथ पेस्ट बना लेंगे और इसे अब हम लोग इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जितना भी मसाला है इसमें अच्छे से चला जाए। अच्छी खुशबू आने लगी है फ्रेंड्स। अच्छे से मिक्स कर लिए हम लोगों ने। अब जो बीज हम लोगों ने फ्राई किया था उसको भी इसमें डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि जब हम लोगों ने फ्राई किया था करेले को तो उसमें भी थोड़ा सा नमक डाला था, तो ध्यान से आप नमक डालें। और जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो मसालों से तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम लो रहेगा। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है मसालों से, तो हमारा करेले का स्टफिंग्स बनकर बिल्कुल तैयार है। और अभी हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। स्टफिंग्स हमारा ठंडा हो गया है। अब हम लोग इसमें इस तरह से भर देंगे। थोड़ा सा स्टफिंग्स लेंगे और इस हॉलो स्पेस को कम्प्लीटली अच्छे से भर देंगे। इसी तरह से सारे करेले को हम लोग भर लेंगे। तो ये हमारी बिहारी स्टाइल भरवा करेला बनकर बिल्कुल तैयार है। ये भरवा करेला खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते, इसलिए बच्चों को भी ये बहुत पसंद आते हैं। इसे बनाकर आप फ्रिज में रखकर 2 से 3 दिन तक आराम से खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते। तो आप भी इस रेसिपी को बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक यानी कि थम्स अप के बटन पर क्लिक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन इसे प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।